तो ये है आम जिंदगी और ये है भाई मेंटोस जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे, दिमाग की बत्ती जला दे। तो कल फाइनली भाई नथिंग ने अपना नया नथिंग फोन 1 लॉन्च कर दिया, हमने भी भाई ऑर्डर कर दिया है वो फोन और मेरे को जो है बेस वेरिएंट मिला है ब्लैक कलर के अंदर और उसकी डिलीवरी 25 को होगी। तो यस, हम काफी टाइम बाद आपको वीडियो देंगे आराम से, जब सब क्रिएटर शांत हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारा भाई आएगा एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। बट आज हमने भाई सोचा नथिंग चाहे बढ़िया बढ़िया हो लेकिन हमारे पास और भी बढ़िया चीजें हैं और जिसको शौक है भाई सस्ते में आईफोन लेने का, तुम्हारा भाई बैठा टेंशन मतलब बताएगा सब कुछ। तो ये हमारे पास आईफोन 10R 64GB प्रोडक्ट रेड और भाई आप लोग काफी ज्यादा डिमांड थी पिछली आईफोन 10 की वीडियो के ऊपर, डेफिनेटली भाई हम लोगों को लेकर आना था। वैसे भाई अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है डेफिनेटली कमेंट कर दिया करो और अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले भाई बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली भाई ये वाला जो है मैंने कैशिफाई से उठाया और इसका जो प्राइस आया वो है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है, एक्चुअली कैशिफाई में आपको 1-2 हजार रुपए ज्यादा ही मिलता है। उसका रीजन ये रहता है कि चलो मैं भी दे देता हूं क्योंकि आपको 6 महीने की एटलीस्ट वारंटी देखने को मिल जाती है, तो सही रहता है। अब यहाँ पे आप देखते हो भाई ऐसे कुछ तरीके का डब्बा देखने को मिलता है, फोन प्रो लिखा होता है सर्टिफाइड, जो भी एक वो है कैशिफाई की सर्टिफिकेशन कंपनी। और यहाँ पे आप देखते हो इनका नेम ऑफ कमोडिटी एप्पल आईफोन 10R 3GB 64GB। यस, आईफोन 10R के अंदर 3GB की रैम देखने को मिलती है, किस किस को पता था ये, तो है ना काफी ज्यादा विचित्र बात। और साथ ही साथ भाई अगर डब्बा खोलते तो ये मिल जाता है हमको डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। अभी बॉक्सिंग है एहसास में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि क्या क्या मिलता है। तो ये है भाई कुछ इस तरीके का, सिम इजेक्टर पिन भी देते हैं लेकिन भाई साहब किसी बंदे ने यहाँ से निकाल लिए स्टिकर्स जो नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं हम नथिंग फोन में अब क्या चिपकाएंगे पीछे। तो ये भाई हमारा आईफोन 10R इन अ रेड कलर और ये बहुत ही ज्यादा टमाटरी रंग के अंदर है और काफी ज्यादा प्यारा लगता है आप देख सकते हो पीछे से। एंड ओवरऑल जो ब्लैक फोन की क्वालिटी है जब मैंने कल देखा तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है भाई, इस फोन को मैं पिछले एक दिन से यूज कर रहा हूँ और मैं ये कल फोन परचेस करके ले आया था और हम लोग कल जो है एक इवेंट में गए थे तो मैंने जो इस फोन को पूरा दिन वहीं यूज करा अपना मेन सिम डाल के, तो इसलिए भाई मेरे को पता है फोन कितना केपेबल है, क्या क्या चीजें इसमें बढ़िया। और साथ ही साथ हमने दोबारा भाई रिपैक कर दिया वीडियो बनाने के लिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट रेड का ये मिल जाता है जो कि हमने फंसा दिया है। वाओ, तो ये है एक प्रोडक्ट रेड का हमारा पैम्पलेट जो कि इसके अंदर होना चाहिए बट हमने निकाल रखा पता नहीं क्यों। और साथ ही साथ ये है हमारी लाइटनिंग केबल इसके साथ जो कि भाई कैशिफाई वाले आपको नकली वाली देते हैं, ओरिजिनल नहीं होती है, मुझे अब पता चल गया फाइनली, जो कि गलत बात है बट कोई नहीं। और ये है भाई इसका चार्जर जो कि नकली है, ये भी चूना लगा दिया, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आप भाई फोन चार्ज वार्ज करना तो ओरिजिनल चार्जर ले लेना आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर ऑफिशियल स्टोर से जाके एप्पल के। एंड इन चार्जर से भाई काफी ज्यादा कंप्लेंट्स में आई है, मेरे को लोगों ने बोला कि हीट करता है फोन, तो मैं बोलूंगा यार मत करना किसी को दे देना दाम में। बट ये है, बाकी इधर आपको वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है जो कि आपको सारी डिटेल दे रखी क्या क्या आपको वारंटी में कवर्ड होगा फोन के साथ। ओ, क्या बात है गाइस, हमारे को 2 10 इजेक्टर पिन मिल गई है, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं गिव अवे कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। तो ये 2 चीजें मिल गई। बाकी मैं फोन को बूट अप कर लेता फटाफट से, इवन तो मैंने यूज कर लिया बट स्टिल आप लोगों को दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का देखने मिलता है इस फोन के अंदर। एक कमी अगर आप लोग बहुत क्लोजली देखोगे ना तो आपको ये देखने मिलेगा, यहां जो इसकी डिस्प्ले है ना ये काइंड ऑफ शायद चेंज्ड है और मुझे ऐसा लगा रहा है बेसिकली, बट डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, फेस आईडी काम कर रही है, ट्रू टोन भी काम कर रहा है, आप देख सकते हो यहां पे ट्रू टोन भी जो है वर्क कर रहा है। एंड मैंने सब कुछ टेस्ट करा, फेस आईडी सब बढ़िया चल रही है। तो यहां पे ना हल्का सा ग्लू का मार्क सा है अंदर से और साथ ही ये ऊपर की साइड में ना यहां पे एक गैपिंग हो रही है डिस्प्ले के और फ्रेम के बीच में, तो ये चीज जो है मेरे मन के अंदर ऐसे शंका क्रिएट कर रही है। बट कोई नहीं, फोन एक ओवरऑल सही काम कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल मेरे को पूरा दिन यूज करा, अगर आते तो भाई देखो मैं बताई देता, मैंने अपने पैसों से खरीदा तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोग जैसे कभी भी नॉर्मल फोन लेते हो तो हमने भाई कैशिफाई के स्टोर पर चेक करा था, आपको समझ आ रहा होगा कि हमने भाई पूरा फोन का फ्रेम जो है चेक करते हैं, आप देखते हो फोन का जो फ्रेम है पूरा बिल्कुल बढ़िया कंडीशन के अंदर है, कोई भी ऐसे बड़े बड़े मार्क्स या स्क्रैचेस नहीं है, जो मेरे को अच्छी चीज लगी। ओवरऑल बाकी सब चीजें काम कर रही है, अब देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा था ट्रू टोन चल रहा है, अगर फेस आईडी में जाता हूं तो फेस आईडी भी इवन काम कर रही है। तो ये देख सकते हो सेटअप करता हूं मैं एंड यहां पे फेस आईडी ऑन हो गई, फेस आईडी फोन के अंदर आराम से काम करिए। आप देख सकते हो अगर मैं फोन लॉक करता हूं अनलॉक करता हूं फेस आईडी बढ़िया काम करिए। तो हमने यहाँ पे भाई बढ़िया से डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए एक बढ़िया बढ़िया ट्रेलर चला लिया है एंड ये HDR ट्रेलर जैसे आप देख सकते हो HDR के अंदर ही प्ले हो रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया। तो आपको भाई इसके ऊपर डिस्प्ले के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी ज्यादा कलरफुल सी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सी डिस्प्ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बट हाँ भाई देखो 2022 के हिसाब से इसकी जो बेजल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी आपको लग सकती हैं। साथ ये एक IPS पैनल है और उसके साथ साथ ये एक फुल HD पैनल भी नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, बट आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा क्योंकि पिक्सल डेंसिटी काफी अच्छी है और साथ जो कलर एक्यूरेसी वो भी अच्छी मिल जाती है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट फिर भी मिल जाता है इवन दो ये डिस्प्ले OLED नहीं है। हमने इस वाले आईफोन 10R के ऊपर iOS 16 फाइनली डाल दिया है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भाई प्राइड वॉलपेपर लगा लिया
दिया है, काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब यहाँ पे आप कभी भी कोई भी पुराना आईफोन लेते हो, टर्नल जो चीज चेक करनी होती है बैटरी लाइफ। ये फोन 2018 में आया था, मतलब 4 साल पुराना फोन है, और उस हिसाब से अगर इसकी बैटरी हेल्थ देखें तो काफी ठीक है। मतलब इस बंदे ने अगर फोन लिया भी होगा अराउंड 2019 के अंदर, 2-3 साल में ये जो भी डिग्रेड होता ही है अराउंड 81% है। तो आप लोग नॉर्मली चेंज करवा सकते हो बैटरी से करवाना चाहो, बट मेरे को जो बैटरी लाइफ है सही मिल रही है। अभी हम लोग हैवी यूजेज कर रहे हैं तो यार ऑब्वियसली जो है डिग्रेड जल्दी होगी, बट नॉर्मल डे टू डे के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। और साथ ही साथ ये जो फोन है आपको भाई स्टेरियो स्पीकर सेटअप के साथ देखने को मिलता है। यस, दो दो स्पीकर है। ऑब्वियसली यार एक महंगा फोन है, फ्लैगशिप फोन है, तो सारी चीजें हमारे को मिलेंगी। ठीक है, मतलब यार पुराने फोन के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है ऊपर वाले स्पीकर के अंदर गंदवन जम जाता है, अगर साफ साफ कर देंगे तो और लाउड हो जाएगी, बट क्लैरिटी जो है एप्पल के स्पीकर के अंदर काफी ज्यादा सही रहती है। आपको याद होगा हमने आईफोन 10 लिया था अभी थोड़े दिन पहले और 10R अब ले लिया है, तो अब बारी है दोबारा से भाई स्टूडियो में हमारी ऑडियंस से पूछने की। तो अब दोनों फोन देते हैं और अनिवेश बताएंगे भाई अनिवेश कैसा लग रहा है, कौन सा फोन बढ़िया है। मतलब जो बंदा देखो एंड्रॉइड यूज करता है उससे पूछ रहे हम, ताकि भाई ऐसे एक फर्स्ट एक्सपीरियंस की कैसा लगता है लोगों को। ये वाला इसलिए बेटर लग रहा है, इसका स्क्रीन साइज बड़ा है और इसमें यूट्यूब 4K प्ले हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी किसकी बढ़िया लग रही है? बिल्ड क्वालिटी इसकी बेटर लग रही है, स्टेनलेस स्टील ना। तो यहाँ पे तो बस मजाक हो गया, लेकिन ऑब्वियसली जो अब आईफोन 10 आ रहा है थोड़ा न्यूअर जनरेशन का फोन है, तो आपको इसके अंदर सपोर्ट जाना और थोड़े लंबे समय तक देखने को मिल जाएगा iOS का। आईफोन 10 के अंदर शायद हमारे को अगले साल बंद हो जाए सपोर्ट, बट इस फोन के अंदर आने वाले 2 साल तक शायद मिल सकता है अपडेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज है। बाकी अब यहाँ पे भाई नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, वो है देखो इसके अंदर परफॉर्मेंस, इसमें क्या माल है। तो इसके अंदर जो है एप्पल ने लगाया था 812 बायोनिक चिप, उस टाइम पर 3GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है। अब यहाँ पे बात आती है, देखो भाई नॉर्मल अगर टास्क करते हैं तो कैसा रहता है, देख सकते हो मैंने काफी सारी चीजें फोन के अंदर खोल रखे, जैसे लाइट रूम हो गया और काफी देर पहले था, और लाइट रूम में खोलता हूं तो अभी रैम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा अपने पुराने फोन में, देख सकते हो रीलोड हो गया। तो मतलब बड़ी एप्लीकेशन जो होती है ज्यादातर ये रीलोड कर देगा, जैसे इंस्टाग्राम भी रीलोड हो गई, यहाँ पे जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन होंगी ज्यादातर ये रीलोड, जैसे सफारी, लेट्स से सफारी, देखो सफारी इसने लेकिन रखा हुआ है, और अगर कोई और लाइक एप्लीकेशन देखें हम, लेट्स से BGMI देखो बैकग्राउंड में रन हो रही थी, अगर ये खोले तो ऑब्वियसली ये रीलोड होगी ही होगी। बट अब BGMI की बात कर ही लिया तो भाई शगुन का टीका लगा ही देते हैं, BGMI खेल ही लेते हैं और आपको सेटिंग्स भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने भाई गेम स्टार्ट कर लिया है, एंड ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जाने के बाद आप देख सकते हो HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन देखने को मिलता है हमारे को इसके अंदर, एंड स्मूथ के अंदर भी एक्सट्रीम है। बट यार ऑब्वियसली हमें ज्यादा पावर की जरूरत है तो हम HDR एक्सट्रीम में खेलेंगे, क्योंकि हम हाई लेवल के नूब है, तो इसलिए हमें अच्छी तरीके से पिटना है, हम मरेंगे भी तो अच्छी क्वालिटी में। तो यहां पे भाई स्टार्ट करते हैं नॉर्मल गेम और चेक करते हैं फटाक से। ओ नेड नेड पड़ा था, काफी ज्यादा बढ़िया गेम हो गया, लेकिन आपको पता चल जाएगा जो आप गेमिंग है थोड़ी बहुत कैजुअली इसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग काफी ज्यादा लंबा और या फिर कॉम्पिटेटिव गेमिंग करते हो तो फोन जो थोड़ा हीट हो जाता है यहाँ से, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हीट हो जाता है, और उस वजह से फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं अगर रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव पब्जी खेलना चाह रहे हो तो भाई डेफिनेटली ये वाला फोन मत लेना, बट हाँ कैजुअल गेमिंग के अंदर भाई ये फोन तगड़ा है, मस्त मजा आएगा आपको, मस्त स्मूथ सेटिंग मिलेगी। तो देखो यार एप्पल ने 4 सालों के अंदर कितनी ज्यादा इनोवेशन कर लिया, हमारे को तीन तीन इतने बड़े बड़े कैमरा देखने को मिल रहे हैं, बट आईफोन 10R के अंदर भाई सिर्फ सिर्फ हमारे को एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि 12 मेगापिक्सल का, एंड ये सेंसर मेरे को आज भी काफी केपेबल लगा। नो डाउट अगर आप देखो ना इसी प्राइस रेंज के अंदर और जो एंड्रॉइड फोन आते हैं उससे बेटर इमेज प्रोसेसिंग दे देता है, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉट्स लिए थे अगर आप देखो भाई इंडोर आउटडोर काफी सही लगे मेरे को ओवरऑल लाइटनिंग। बट हाँ एक चीज है, आईफोन की जो स्किन टोन रहती है ना थोड़ी सी हमारे लिए अजीब रहती है, तो फिल्टर अगर यूज कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बट ओवरऑल डायनेमिक रेंज के मामले उन सब चीजों के मामले में काफी सही लगा फोन। तो यहाँ पे भाई हमने पोर्ट्रेट मोड क्लिक करा भी इंडोर लाइटिंग के अंदर, इसके अंदर सिर्फ एक कैमरा है, बट अगर आप देखोगे भाई कैमरा इसका काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, AI के जरिए जो एज डिटेक्शन है वो काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब भाई ऑब्वियसली जो मशीन लर्निंग है AI वो काफी कमाल हो गया इन सालों के अंदर, तो आपको बढ़िया फोटोज देखने मिलेगी। पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमने 2-4 शॉट्स खींचे, अभी यहाँ पे मैं कसाटा स्क्रीन लग रहा हूँ बात अलग है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी एज डिटेक्शन और काफी अच्छे कलर प्रोड्यूस कर रही है पोर्ट्रेट के अंदर। अगर आप लोग लेते हो तो आपको एक डिसेंट एक अच्छी फोटोज क्लिक करके देगा, और वो आईफोन वाला जो मजा है आप लोगों के दोस्त भी बोलेंगे क्या बात है भाई आजकल तो गोरा लग रहा है, मजा आया। यहाँ पे जो है आपको वीडियो के मामले में 4K 60 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड काफी स्टेबलाइज्ड फुटेज आती है इसके अंदर। फ्रंट में अगर बात करें तो यहाँ पे 7 मेगापिक्सल का सेंसर, थोड़ा सा नेचुरल कुछ ज्यादा हो जाता है, तो अगर आप लोग ऐसे फिल्टर लगाओ बढ़िया रहेगी, बट ओवरऑल कैमरा आईफोन 10 जो मैंने यूज करता उससे बेटर लगा भाई इसका, नो डाउट मुझे। शायद देखो एट द एंड इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, इवन तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम लोग भाई निष्कर्ष देते हैं कि अगर आप लोग को ये फोन अराउंड 20-21 में मिल जाता है सेकंड हैंड एक अच्छी कंडीशन और जस्ट लाइक अंडर वारंटी जैसे ये है, तो भाई नो डाउट एक अच्छी डील है ये, आप लोग ले सकते हो एक नॉर्मल यूजेज के लिए। अगर आप लोगों को देखो भाई वो है थोड़ी सी एक होती है जैसे मैंने पहले बताया था चुल कि आपको आईफोन लेने का मन है, शौक है अगर, और आपको ज्यादा बजट नहीं स्पेंड करना, 1 लाख का फोन नहीं लेना चाहते, तो ऑब्वियसली आप लोग ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मजा आएगा। और भाई मैं भी इन वाले फोनों को बेचूंगा आईफोन 10 और 10R को, तो अगर आप लोगों को लेना हो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग DM कर सकते हो, फॉलो वॉलो भी कर लेना यार थोड़े से बढ़ा दो आप। तो यार ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओ गाइस बाय बाय।